चलिए आगे बढ़े, आपको बताएं प्रयागराज से बड़ी और अहम जानकारी। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। दरअसल एएसआई के डायरेक्टर जनरल हलफनामा दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। और ये भी आपको बताते चले कि एएसआई के हलफनामा दाखिल न करने पर संस्कृति मंत्रालय पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो एएसआई के हलफनामा दाखिल न करने पर संस्कृति मंत्रालय पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। और आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर अहम सुनवाई आज होनी है। एएसआई के डायरेक्टर जनरल आज अपना हलफनामा दाखिल करेंगे, उसमें वो तमाम बातें भी लिखेंगे और कहीं ना कहीं हलफनामे में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। प्रयागराज से बड़ी जानकारी। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से आज सुनवाई होनी है। और आज सुनवाई होगी, एएसआई के डायरेक्टर जनरल अपना हलफनामा दाखिल करेंगे। दो बजे के करीब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय जो है समय जो है वो 2 बजे का निर्धारित किया गया है, जब 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई के डायरेक्टर जनरल अपने हलफनामा दाखिल करेंगे और इसमें तमाम बातें वो कहेंगे। दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको दे रही हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर से एक अहम सुनवाई होनी है। दरअसल दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज मुख्य और अहम सुनवाई होनी है। दरअसल एएसआई के डायरेक्टर जनरल अपना हलफनामा दाखिल करेंगे और दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं आज इस मामले को लेकर। अगर हम बात करें तो आज का दिन काफी अहम और खास रहेगा। आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर फिर से सुनवाई होनी है। एएसआई के डायरेक्टर जनरल हलफनामा अपनी तरफ से पेश करेंगे, अपनी तमाम दलीलें उस हलफनामा में करेंगे और कहीं ना कहीं अपना जवाब जो कोर्ट ने उनसे हलफनामा मांगा था उसका जवाब देते हुए वो इस पूरे हलफनामे को पेश करेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज भी अहम सुनवाई होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, एक एक कर क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, आज का दिन भी काफी मायनों में खास रहेगा क्योंकि आज भी श्रृंगार गौरी मामले में अहम सुनवाई होनी है। बिल्कुल मनीषा, जब अगर ज्ञानवापी की बात होती है तो हर एक मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि पूरे देश को इसकी नजर रहती है कि आखिर ज्ञानवापी मामले पर चल क्या रहा है। उसी को देखते हुए आज हाई कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। एएसआई के जनरल को आज हलफनामा अपना हलफनामा देंगे, उसके बाद 2 बजे के बाद इसमें सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद नतीजे क्या निकलते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि जो पिछले बीत गए थे उसके अंदर पांच जो दी गई थी प्रातःभ उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज एक नया हलफनामा दिया जाएगा, उस पर सुनवाई भी होगी। देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में ज्ञानवापी मामले पर होता क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, क्योंकि न्यायालय भी धीरे धीरे करके जो डेट पे डेट चली आ रही, जो कतारें डेट की लगी हुई थी उसको देख के कहीं ना कहीं, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है, एक दो समुदाय के भावनाओं की बात है, उसको देखते हुए ही न्यायालय भी अपनी जो डेट है, चाहे जो इसको हम डिले कह लें तो वो भी कोई गलत नहीं होगा, सोच समझ करके ही कोई निर्णय देना है ऐसा सोच रही है। तो अब देखना यही होगा कि 2 बजे के बाद जो है उस पे क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है मनीषा। हाँ, लेकिन सबसे खास ये भी रहेगा क्योंकि एएसआई के हलफनामा दाखिल ना करने पर पहले भी संस्कृति मंत्रालय पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा था। अब हलफनामा एएसआई के डायरेक्टर जनरल को दाखिल करना है कोर्ट में, उस हलफनामे में क्या कुछ अहम हो सकता है सचिन? देखिए मनीषा, अहम तो यही एक मुद्दा हो सकता है, कहीं ना कहीं जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें ये कही जा रही है कि इस पक्ष को अंदर ना आने दिया जाए और ये जो है वो हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए।
तमाम ऐसी दलीलें होंगी जो हलफनामे में होगी, कह पाना ये सही नहीं होगा कि हलफनामे में क्या होगा, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो न्यायालय भी एक तरह से गुप्त रखती है, तो वही देखना होगा। क्योंकि 10,000 का जुर्माना लगने के बाद हलफनामे को नहीं वो किया गया, 30 अक्टूबर तक की इसकी डेट थी, तो कहीं ना कहीं न्यायालय का भी ये उल्लंघन माना जाता है। आखिर में जो न्यायालय है उसने आपसे हलफनामा मांगा, तो हलफनामा को 30 अक्टूबर तक उसको देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए, तो उसी के देखते हुए संस्कृति को 10,000 रुपए का जुर्माना लगा है। तो अब यही देखना है कि क्या ऐसे कितने मोड़ आते हैं ज्ञानवापी मामले पर, जो कि देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देश की पूरी नजर है, देश ने पूरे विदेश की नजर है कि आखिर में ज्ञानवापी मामले पर निष्कर्ष क्या निकल के सामने आता है। ठीक सचिन, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी अमित मिश्रा भी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ आज इस सुनवाई में खास रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा? मनीषा को बता दें कि हर किसी की नजर जो है वो हाई कोर्ट की सुनवाई पर अटकी हुई है, क्योंकि 2 बजे जो है ये अहम सुनवाई ज्ञानवापी मामले पे होगा। अहम इसलिए माना जा रहा है कि बता दें पहले तो इस पर 5 याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर 3 में 12 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन 2 याचिकाएं ऐसी हैं जो कि एक तो पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से डाली गई थी, वो सुनवाई बाकी है। दूसरा जो है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से डाली गई थी, उसमें बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज जो अहम सुनवाई की मामला है उसमें क्या एएसआई के डायरेक्टर जनरल से हलफनामा मांगा गया है। यह हलफनामा सर्वेक्षण जुड़ा हुआ है, और बता दें कि इससे पहले हलफनामा न दाखिल करने के कारण उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और सबसे जुर्माना लगाने का एक महज ये कारण था क्योंकि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ ये मामला है। हाँ। जाहिर सी बात है, अगर किसी पर विवाद होता है, क्योंकि ये दो समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में कोर्ट भी कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहता है, हर एक पहलू को अच्छे से देखना चाहता है, क्योंकि पहलू को देखने के बाद ही उसमें से तथ्य सामने निकल के आएंगे। क्योंकि अगर कोई मामला आता है तो हर कोई दावा करता है कि हम इसके हकदार हैं, दूसरा कहता है हम इसके हकदार हैं। लेकिन जब 5 अर्जियां जो हैं वो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन पर सुनवाई, मतलब अर्जी दाखिल की गई थी, जिनमें से 3 पर सुनवाई हो चुकी है, 2 में अभी बाकी है, तो क्या समझा जाए कि आने वाले कितने और दिनों में 2 पर भी सुनवाई हो जाएगी पूरी? जी बिल्कुल, देखिए बता दें कि लगातार जब ये मामला जिला अदालत में चल रहा था तो वहाँ भी अर्जी पे अर्जियाँ डाली जा रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया कि इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी अर्जी नहीं रहेगी, और सबको एक करने के बाद अब हाई कोर्ट ने सारे मामलों को एक कर दिया है और उस पर अब सुनवाई कर रहा है। ऐसे में सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ एएसआई जनरल डायरेक्टर से पहले तो हलफनामा मांगा गया है, हलफनामा में वो आज दाखिल करेंगे और तमाम तथ्यों को डालेंगे कि क्या अब तक इस केस में क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या सुनवाई हुई है, और तमाम जो उनके मुद्दे होंगे उन मुद्दों को हलफनामा में शामिल करेंगे। और उसके बाद बता दें कि 2 जो अर्जियां हैं जो उसमें बाकी है, पहले तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की अर्जी है, उसके साथ साथ इंतजामिया कमेटी की जो अर्जी है उस पर सुनवाई होगी। तो सबसे बड़ी अहम जो पहला सुनवाई माना जा रहा है कि वो डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो हलफनामा दिया जाएगा उसको देख करके हाई कोर्ट क्या चीजें सुनती है, उसमें हाई कोर्ट क्या देखती है, और क्या उसके बाद क्योंकि अगर बता दलीलें रखी जाती हैं, क्या उस डायरेक्टर जनरल की तरफ से बातें कही जाती हैं, क्या जवाब दिया जाता है, वो भी काफी अहम रहेगा।